அமித் தாஸ் சொல்றாரு கிக்கப் பிசின் சாத்துக்கு மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகும் इस मैच में क्या हम लोग देखेंगे विदेशी मूल के खिलाड़ी नाना का कमाल या फिर समीर बेसरा का स्किल समीर बेसरा का करिश्मा इंट्रिग और किस तरह से रहेगा यहां पर संथाल परगना के सबसे बेहतर होल्डिंग मिडफील्ड के खेलने वाले खिलाड़ी ताला सोरेन का योगदान फिलहाल ताला के पास ही बॉल पहली गोल हुई बना समाज मैन था बेहतर उन्हें मैन मार्किंग नोडे अच्छा तो गोल पे चला जाए गोगो जो ना प्लेयर की गोल बार नहीं तो नोडे उठाए गोल के बाद बाबूता और आठ नंबर जैसी हरा का प्लेयर रहे नहीं तो आठ नंबर जैसी हरा का प्लेयर पिया की गोल के बाद Fernando Mono orang 8 nomor jersey hero kata Bidesi Mulan Pelari Abu Ini 8 nomor jersey hero kata Mana gol lada Arnit Nid Di Babu Tabarmu Ini 8 nomor jersey Terruga ni Yel kuat ya Kya bantar pas Mana Lekin Hand throw di Aisara Hidah पास लेकिन ये गजब का देते हैं मैंने पहले ही कहा कि ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के यहाँ पर आइवरी कोस्ट एक छोटा सा कंट्री है आइवरी कोस्ट उस जगह से आते हैं ये खिलाड़ी और बहुत अच्छा खेल दिखाते हैं इंडिया में ये खिलाड़ी कोलकाता के क्षेत्र में हो या फिर कोई भी बड़े मैदान पर अच्छा खेलते हैं देखिए इन्हों मौज मीडिया में हिंदी पे नोटा दिखाई था क्या हुआ हम उन्हें सब तो उजे दड़े आकर हैं नंबर कलाड़े और हाथ तक खेल के तीन मिनट के अंदर पहला झटका लग चुका है एसएनएस मीडिया में स्कूल पार्टी की टीम उनके पास अभी भी समय है इस मुकाबले को लेवल में लाने के लिए मगर उसके लिए और जीवंतता दिखाना होगा समर्पण दिखाना होगा इस मैच में लेकिन इतना आसान नहीं होगा जब चुंबा जैसे फुल बैक में और सपन जैसे स्टार डिफेंडर जब टीम में मौजूद है लेकिन इसके लिए तोड़ निकालना होगा समीर जैसे खिलाड़ी और जोसेफ जैसे खिलाड़ी को अब्दुल जैसे खिलाड़ी इस टीम में और होल्डिंग में खेल में अपना योगदान दे ही रहे हैं यहाँ पर ताला सोरेन नवेल जन डेंजरस ये विंगर खिलाड़ी है और ये जब भी बॉल मिलता है वो काफी सटीकता के साथ पास बढ़ाते हैं और आपने ही गोल लिया था ये मांगा पड़ सकता है उनका फर्स्ट टाइम रहा बॉल बारी सीधा इधर और नाइटेन ने माना जब जब बॉल पर था कुछ ना कुछ हरकत हुआ डिफेंडर विपक्षी हाफ रहे हालांकि नियर भाव का पास किया उन्हें ऑफ साइड रह गया इलाका रहे खिलाड़ी बोलो कौन था नुबा माइस्ट्रेन जतो कमिटी डेन जतो अलरन अयूर को उनको को सरहार और हकदार करना को अध्यक्ष महोदय अमीन मुर्मू अयूर रहे सचिव महोदय मंटू भगत जी साथ ही साथ नरेश शाह जी संगठन को साथ में नरेश सोरेन जी और उपाध्यक्ष डॉक्टर देवीलाल हेमराम जी उप सचिव पिंटू घोष जी तपन मंडल जी उमेश शाह जी जुलिन टुडू जी सुजन भंडारी जी जितेंद्र घोष जी बुद्धिशाल हेमराम जी ये हमारे इस टूर्नामेंट के अगवा उन लोगों के मार्गदर्शन से ये टूर्नामेंट बहुत ही
Sunda dan Syarikat Sepanjang Nuwa mes lagi din rat kepada bagio para kidhankan santram sorang di arambit tu mungkin hari sahawan hadar ke nakin de nuwa kajkram lagi mungkin hari ati mehnat kara Lukas datar Back pass tak kena mankan Nia saat ini itu pass Rias Sandar hauka Hui dari kena mankan Offside Offside Nonde Thoda kan ada pass Masih utai kena Ar Onda iya kena kena Dia ada offside Dia play Jerur Raka ba Ar Onda kena Hina Kena itu Jahat itu Sampau napa Danger place Re jerur Raka tahe kena Corner hua ala katakan mankan gol ke andar jo ball ala chala chala hai acha namna out to corner ki kriya chance ki naam kitab to fc hamra mustan ek gol kriya badhat rakhna ko acha corner ki kabhi bhi box mein Danger place में जरूर लेकिन सब ने बेसराना तक तक में बॉल को क्लियर किया नाना बेहतर पास मंथन गोलकीपर गोपी हो रहा है बड़ी चक्की गोलकीपर का बात रंकी नाना डिफेंस लाइन पे डिफेंडिंग एरर के चलते नीचे गोल पे बड़ा कुछ खराब खड़ा लेकिन कहते हैं कि ये दबाना या फिर दब जाना एक सिक्के के दो पहलू हैं कभी आप दब जाते हैं कभी आप किसी को दबा देते हैं Nito, nama main kiri awak akan bisa disek ke tujuh dari akhirnya. Nia bicara kembali, sudah turun dari akhirnya sebab. Tadi mau danger dari area suit, tapi kecil kali ya. Nanti Ismail, bola ke liar ke dalam baru. Tengkar Nia sudah segitu. Aku half point, ball mulai sepras. Tadi mau bahasa baik-baik, tapi mana sudah sepras. Di petras, sering telarai. Mudah बॉल लगी जरूर लॉकेट में प्रमुटो का था ना मंथन रेफरी ऐसा रही ना उनका प्रॉब्लम गया अगर नॉर्मल फॉल अगर मंथन तो हमारे पास ही कितना बंद तो साइड में हम बाबू बाबू ये हमेशा तो डिफेंस टीम करना चाहिए अगर उन्हें अच्छा तरह से लेने दे दिया गेम को मारता है तो अगर 50-50 चैलेंज रहा अगर फॉल का कंडीशन बना था तो हमेशा ऐसे डिफेंस वाला टीम करना उनको भी उन्हें मैच में पहला प्रायोरिटी दी जाएगा नपा में प्राथमिकता दी जाएगी अब से ज्यादा ज्यादा कर रहे हैं तो बच्चा वाला एरिया है और कोई
रक्षक पंक्ति के नाते उनको भी बंचार या कंडीशन में उनको भी प्लस पॉइंट को जाना पड़ा लखन सही जगह बॉल तीनों मोज में आए सीता दर का दिया और मतलब थोड़ा गान हाँ प्रिय अपियोग लगा और ये अपियासी था मुझे चुदा बंदी और मैच रेफरी मुझे फॉल दिया इस सराल को ना दिखे मौका हो गया ने अब ये एक मौका हो सकता है कि बॉल को क्या बेहतर सही जगह पर वो फिनिश कर सकते हैं या नहीं। स्टार खिलाड़ी शॉट लगाया वहां पर जोसफ है लेकिन गोल कीपर ने किसी तरह से सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच अपनाते हुए सबसे पहले बॉल को पंच आउट किया। नीथो चांस बनाओ पड़ा कॉर्नर टीक रहे नो डाउट मैच बराबरी रह भी लगी मैच या कंडीशन सदा सुमान अभी लगी और फिर मुकुर ने कॉर्नर टीक लिया सही जगह पर फिर से लखन लखन टुडवा क्रॉस पास मैन खान इस्माइल है हेडर माध्यम से बॉल रुक करा बगराई टुडू टीम रेड कैप्टन बगराई सौरव बॉल अच्छी जगह पर है डिफेंस एरिया है मैन खान ने फॉल दिया संजू सोल्वर पुश दिया चक्कर है फिर से टाना बड़ी मौज बोल रही थी लाइक ठीक है बाहर और तुरंत ही गैप है पास है उमाव जो जोश ना ना बॉल निकल जाता है नीचे खिलाड़ी खेलने बंपर कर जाते हैं कैसे खेलने रूप से थोक भी आर तुरंत हो रहा है बॉल पड़ा हुआ बना के उसी से है बराबर खिलाड़ी और बगराई में बॉल पड़ा हुआ बाबू पारे का अनु खिलाड़ी ने क्षमता बनाया है लो सिर्फ बॉल बाहर कर दिया पेसलाइन सही बनाया और बॉल का बॉल का था कहे और बॉल पोजीशन का था गया और बात तो सिर्फ बॉल का था गया है खिलाड़ी और देखिए और इसी बीच में यहां पर ये टाइटल और यहां पर येलो कार्ड उठाया गया है आज मतलब तो प्लेयर प्लेयर खिलाड़ी शिकार हो पा रहे हैं इतनी चो हमेशा ही नहीं है खिलाड़ी जब जब भी जल कर गया था ग्राउंड की सेहत खिलाड़ी बड़ा बड़ा भी जब से खूब रहा था मिलता है क्या होना रहा है और चर्चा रहा था क्या पता नहीं आप समझ सकते हैं जितने प्रमंडल में भी इस खिलाड़ी का खेल को पसंद किया जाता है तो एक अच्छे खिलाड़ी की यही निशानी है कि वो टीम हीट के लिए खेलते हैं थोड़ा दिन बाहर रखा गया उसका जमशेदपुर रखा चला हुआ है और अंतर एडियर है ताला सरन ना इतनी बड़ी जैसा नहीं है अंतर है जो ले बड़ा है कौन पसंद का कौन अच्छा ताला सरन का अच्छी तरह में भी जो बड़ा है फिर से ताला एंटर मामा है और तक अगर मैं था स्टीम है इनफ है तक लड़ करने मामा मिल गया है तो वो मामा है खेल दिया अगर चंपा ना बात था वो क्या कर रहा है चेसुरी बसे बसे तो ये ना तो बाम बुझोल द चे बहुत सारे निकल दिल लगा गया ने दिल लगा गया अंदर लड़के लड़के रोड कर कबले लीला दिल लीला बाम बुझोल मौका बराबर बना टीम भी और मौज की बना था फिर से बाबू का नवा मैच रन एक मात्र स्कोरर
फिर से नामा लगी मौका हुई दरिया का डांस मेंखा नोडे पचास फिर से पचास ने बनाया बॉल आया था जोर जोर भी मेंखा डिफेंडर उन्हें भी बेहतर तरीके से बॉल आया छत्र को अच्छा बॉल है सिंध के बाद अर्थव भी आया रन गतिल गया लगा था तब का लगा बहुत ही कांटे की टक्कर का है सुशील और इस मैच में यही हम कह सकते हैं कि मुकाबला हो तो ऐसा हो कॉन्टेस्ट बराबर नतीजा के बात करें तो जरूर एक मैच इस मैच में पिछड़े गए हैं लेकिन इस हिसाब से दोनों टीम बहुत बराबर ही पैसे दिखाया है और यहाँ पर दोनों टीम का खेल लगभग 50-50 का रहा है जरूर और अभी भी बहुत सही समय है मैच में वापसी आने के लिए बट यहाँ पर एसएमएस बड़ी स्कूल पाकुड़िया टीम से यहाँ पर अब की बार सभी आगे बढ़ने का प्रयास अब्दुल के लिए गेंद अब्दुल ने पास बढ़ाया वहां जोसेफ को जोड़ लेकिन रिकवरी कर लेंगे वहां पर समीर के साथ आप सब से रिक्वेस्ट रहेगा यहाँ से थोड़ा सा पीछे हट जाइए भाई अब तक नहर कहा ना थोड़ा कोई मियारी तुम पे घने घने लेबो करो बंदाई एन हो गुन अन सुना जा मैं थोड़ा गर्मी दुखना गठा गठा चौकी दारा गठा दया गठा अलग कहन सुना सुना अब रन चौकी दार महोदय हो दिन मौज है ड्यूटी दार और उपाय जगह के लिए अच्छे अच्छे पे हम आप पे आप भागने लगी थी चिरा जे जब तो हम लगी जमान सुविधा का है अदो नाइट पे जब तो लोग नहर आ जमान कभी की को हम रोन रहा ज्यादा मौका जमान अलग पे माउ और दोड़े खड़ भाव भाग आती नवा बोल जले कल पहले जा नवा दो पहल पाते ग्रुप ए से तो यार नवा दो पहल जा मुझे मैच करना आखिरी मैच करना पहल हफ्ता समय तकरीबन 19 कोई 20 में आसपास नहा हुई था लेकिन शरीर कम समय रहे एसएमएस मिडिल स्कूल पाकुड़िया टीम उन्हें कोई कुछ रूम पिया जब उन्हें हर हाल रहे सारे कम समय रहे उन्हें कोई मैच को वापस और देखो गलत तरीके से कवरिंग में प्रयास है और ये कवरिंग के वहां बीच है प्रीति को जीतो बार मुदो एसएमएस बड़ी स्कूल पाकुड़िया आज दिन का ये फर्स्ट क्वार्टर फाइनल और आज दिन का आखिरी मैच यहां से आखिर करके कौन सा टीम आज सेमीफाइनल के लिए अपना जगह सुनिश्चित कर पाएंगे भले ही शुरू से यहां आगे चल रहा है एफसी हेमराज स्टोन की टीम लेकिन खेल दोनों टीम्स का बराबर चलता था बघड़ाई सोने का शॉट पकड़ देंगे एक सुंदर सा सेट पीस के माध्यम से गेंद को क्लियर किया गया लेकिन अच्छा वापसी हो जाएगा और एक बार वहां पर लुकस समरम लुकस वहां पर बघड़ाई के लिए बघड़ाई जी का लोपिंग पास वहां जब तक वहां नोएल गेंद को ले पाते वहां स्पाइब और चुंडा जी जगह क्या वहां पर डिफेंस करते हुए डीजेल साथ ही साथ यहां पर सुपोन किसको ये सारे प्लेयर जो है डिफेंस लाइन को बहुत ही ज्यादा मजबूती दे रहे हैं जितना मौका बन रही है हर एक मौका को निरस्त करते हुए ये सारे प्लेयर चे चहिल हापना सारे काम समय रहे नोड़े कोई मैच को वापसी दरी है एसएमएस मिडिल स्कूल पाकुड़िया और एक बार बाबूटा वहां नाना को पास निकलते हुए लेकिन वहां पर गेंद पोजीशन चेंज हो गई है अब की बार वहां पर राम चुनु राम ने मिडिल जोन में खेल दिया प्ले मेकर वहां पर ताला सोरेन ताला तेजी से आगे बढ़ते हुए वहां पर डायरेक्शन दे रहे हैं कि बॉल लेने के लिए आप सामने आ जाइए अपना प्लेस ले लीजिए इसी बीच वहां पर समीर लेकिन यहां पर मैनुएल को बीट नहीं कर पाए इसी बीच लखन ने दो दो प्लेयर के बीच से निकाल दिया वहां पर समीर के लिए समीर क्या आगे बढ़ पाएंगे लेकिन ये नहीं यहां पर उनको बहुत ही बेहतर कवरिंग किया गया और गेंद गोल लाइन से बाहर चली गई और यहां पर 15 नंबर ये सनातन ये भी मिडिल जोन से बहुत ही बेहतर खेल रहे हैं सनातन और मानेल जी का वहां पर कॉम्बिनेशन का बहुत ही अच्छा बनता हुआ बीच में मिडिल जोन में गेंद को ले लेंगे इस बार वहां पत्रास ने वहां पर 15 नंबर सनातन को खेला
इसी बीच वहां पर बाबूटा शॉट लिया फर्स्ट टाइम फर्स्ट पोस्ट पर, लेकिन इस बार गोपी ने गेंद को सुरक्षित अपने ग्लव्स में ले लिया। लेकिन थोड़ा सा समय पीछे रह गए। वहां से नाम तो और यहां पर हम देखेंगे पूरा जो है एसएमएस मिडिल स्कूल की टीम शॉट लिया फर्स्ट पोस्ट पे बॉटम कॉर्नर पर, लेकिन यहां पर गोलकीपर ने गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाया। और मैं देख रहा हूं तुषार का थोड़ा सा जो है चढ़ करके खेलने का प्रयास कर रहे हैं यहां पर एसएमएस मिडिल स्कूल की टीम। प्ले एरिया को बिल्कुल छोटा कर दिया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अभी तक गोल में वापसी आया नहीं है। सारी कथा घटना अगर नवा मैच में ऐसा हो तो हरियर राउंड या जर्सी हरा का मिडिल स्कूल पाकुड़िया रन खिलाड़ी जब तक तो चढ़ाव होते जाते चले मन था नहीं है चीज नहीं आता जे हेमराम स्टोन टीम रन डिफेंडर बिनो मौज बना को चाहे सुंदरिया कथा में फुल बैक रे गति का सपोर्ट दिया कथा में 15 नंबर रन इनाम पर टीम मजे गति कराने को समर्थन जबकि हाफ लाइन पे विजय आत्मा हाफ या एरिया का खड़ा को बचा रहा है मानकू को बड़ा गया जैसे जैसे मतम को बॉल को पड़ावन था बड़े रत रहता हूं तो लहा से बॉल को दिया और नवा मेन कवरिंग ये थी पसंद है इनो लगातार दबाव बना के भी रहा मेन का मेरे हेमराम स्काउटिंग अच्छे क्षेत्र है इनका ना नेटी की शॉट को बड़का को माव को और ये बिल्कुल यहां पर रोके रखा है एस एस मिडिल स्किल पाकुड़िया को चाहे कितनो भी क्यों ना दबाव बने लेकिन इनको रोक करके रखना है यही एक रणनीति देखा जा रहा है। आरंभ जो गड़े अगला सुशील सिंह जानमा क्वार्टर या गाती दिगी दर्शक को अगमा हो हल्ला पे दर्शक बाहर को तिलो खुशी सदा खिलाड़ी को सपोर्ट को आओ ना सत्तम जो गड़े अगला सिंह जान गाती जब तो हरा मने जीवी जीतो को लगा था नवा का सिंह जान लास्ट मैच को मेरे कर और ऐसा नहीं लग रहा है कि ये क्वार्टर है, लग रहा है ये सेमीफाइनल मैच हो रही है क्योंकि यहाँ से जो भी टीम जीतेगी वो सीधे सेमीफाइनल में अपना जगह बनाएगी। और इसे समय पर कहीं ना कहीं फर्स्ट हाफ के लगभग लगभग अंतिम समय में एक कॉर्नर को जीतते हुए एसएमएस मिडिल स्कूल पाकुड़िया दवा पहल हाफला लगभग लगभग मुझे दो समय में मीठे कॉर्नर बॉल का कोई नाम था जिन्होंने कोई गोल वापसी आया बड़ी बेहतरीन शॉट गोलकीपर ने ऑफ द लाइन लेकिन ये साव से जो थी लेकिन आप पहली हाफ दो नोडे मुझे दुआ अड़ी तगड़ा गाती और नौकाना गाती खेलते निश्चित रूप से जो तो ऑडियंस के दुड़ू का नोट को अड़ी जस्ती को प्रभावित कराते ही यहाँ दिन रहे हैं ते बना टीम उनका ना गाती की दुड़ू का और ये लगभग दूसरा हाफ रहा है एसएमएस मिडिल स्कूल से कोई चीन दुआ मैच वापसी है से कब तक वो यहाँ मैच को सौ कर लिया बाबू ने लगा और नौका जी तिहिल दो का आधे पासे कोई सूर संगीन कोई तीनों दबों है सकर का है आपे जो तो निगे लिए गो बाबा यहाँ के हर एक मैच को आप देख सकते हैं। और मैच अभी तक शायद सभी यूट्यूबर जो है नहीं अपलोड कर पाए हैं और यहाँ से जैसे ही लौटेंगे कहीं ना कहीं शाम तक में सारा मैच अपलोड हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर हमारे माताओं के पीछे जो है जितने भी खड़े हैं आप सुबह से रिक्वेस्ट रहेगा आप पुनः वहाँ से साइड हो जाइए कम से कम पीछे हो जाइए थोड़ा सा आप खड़े रहिए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन पीछे रहिए थोड़ा सा पीछे हो जाइए बार बार रन लगा खड़ा बार बार अंतर रहे रन अच्छी खड़ा आप हमको गोगो को आता प्लेस बिना होने पर तिंगू पढ़ाई कराए इन ढाल बताओ पे आप उजे बने जामदा इन जगह बिना गया इतना से चला पकड़ पे होता है अगर खड़ा ही रहना है तो बहुत जगह सारा जगह है आप लोग उधर चले जाइए। और मैच सेकेंड हाफ का और ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि यहाँ पर जीजान लगा देंगे एसएमएस पाकुड़िया जो मिडिल स्कूल की टीम है क्योंकि
यहां पर उनको मैच में इक्वल करने के लिए बराबरी करने के लिए एक महत्वपूर्ण गोल की यहां जरूरत है और कब तक वो महत्वपूर्ण गोल हमें देखने को मिलेगा। एक अच्छा सा सिलेक्शन वहां पर गोलकीपर रामलाल के द्वारा, साथ ही साथ पूरे ऑफिशियल टीम को भी और एक बार इस क्लब की ओर से वो भी धन्यवाद के पात्र रहेंगे इनके देख रेख पे। आज टूर्नामेंट के फर्स्ट दिन में टोटल ये पांचवा मैच, टोटल पांच मैच जो है बहुत ही सुचारू ढंग से यहाँ संचालित करते हुए लगभग अंतिम चरण पर लाए हैं। सभी ऑफिशियल टीम्स को ये मिलन संघ चौकी साल झरिया पाकुड़िया पाकुड़ उनका भी दिल से शुक्रिया अदा करती है और निश्चित रूप से यहाँ जितने भी ऑडियंस आज आए हुए हैं आप सबों का भी बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा योगदान दिया है, क्योंकि आप सबों का सपोर्ट और सहयोग के द्वारा ही आज इस टूर्नामेंट का प्रथम दिन लगभग सफल होने के कारण है। और कल दिन के लिए भी आप सभी सादर आमंत्रित रहेंगे इस क्लब की ओर से। कल भी जो मैच होना है वो कल 8 बजे से ही, माफ कीजिएगा 9 बजे से इसमें शेड्यूल टाइम दिया गया है मैच स्टार्टिंग का, 9 बजे से ही मैच प्रारंभ हो जाएगा और ग्रुप बी से अच्छे अच्छे टीम कल पार्टिसिपेट करेंगे। जो कल दिन का प्रथम मैच हम देखेंगे 9 बजे ये मैच खेली जाएगी, काले बाबा पाकुड़िया और दामिन क्लब अर्जुनदा बर्धमान इनके बीच में कल प्रथम मैच होना है। कल दिन का जो सेकेंड मैच होगा 10:10 से मैच शुरू हो जाएगी, एफसी त्रिवडंगा वर्सेस एफसी ब्लैक ईगल दुमका के बीच में। कल दिन का थर्ड मैच होगा एसके यूजी दहारलंगी वेस्ट बंगाल वर्सेस बादोली बयार पालोगिरी देवघर। कल दिन का चौथा मैच पीडीवाई एसएस मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल वर्सेस मुर्मू ब्रदर्स दुमका। तो ये सारे टीम जो है कल खेलेंगे ग्रुप बी से। अनियरे किप तो बनुत मारूंगा किटलेस रे नाया कोरा दो तीन दो करना बोले खेल इतना बेहतर खेल रहे हैं यहाँ पर बड़ी स्कूल पाकुड़िया की टीम, लेकिन गोल सिर्फ नहीं आया है, सिर्फ गोल की कमी है और सभी ऑडियंसों को यहाँ पर इंतजार है कि यहाँ पर अगर पाकुड़िया टीम से गोल आ जाए तो मैच में और ज्यादा मजा आ जाएगी। हमको लगता है क्राउड में इतना हो हल्ला होगा वो तो समय ही बताएगी। ध्यान देंगे कल से कल दर्शकों के लिए विशेष सूचना यही है कि मैन स्टेज के बाएं ओर का जो प्लेस है जहां बांस का गाछ है या उसके अगल बगल वाले क्षेत्र में वो पूरी तरह से बांस का घेरा से घेर दिया जाएगा और कल उस क्षेत्र में जेंट्स को आने के लिए अलाउ नहीं होगा। तिहिंद के लिए लड़ते के मैं वहां लिंगा पी रखा वो कहा माँ दादी के बिना अमा नखा दो बता दो कभी किया निर्णय के नहीं वो नवा नखा रहे तो परेशान नहीं करें उन्हें थे गोगो के पुल को लगी उन्हें जगह को दो बता दो दम सखा तो मन निर्णय ज्ञान दो दो अपने हाँ बातें बोलो आ अपने दो बता दो मेरे तो जब तक हम लगेगी मना करना है उन्हें थे कुरुमते तो उन पर चला जाए तयम सर पे जरूर को गए थे लहा सरन की परेशानी से लहा सरन तीनों बार बार और हम सोफा दो भाई है मुझे हटा चीज पास के जरिए फिर से नाना मैं था इनके लिए कप्तान निकल्स स्लाइड करते हुए बोले लेकिन भूल गए थे यार
Lukas,
Second half of the local face.
Money.
benar pin kahina kahi tehnya janda ta mucak bench kan patar na bench kan patar se pehle bhi match kati hui kana lekin ude bhai 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 himaya ko ude gati dua hobi ke rahe ki ta hai bade koi lekin ye khel rahe hai to hamra mustam team adi match ko to dekho sanatan lagi lekin ओडे रेफरी कर दिया वाला फॉल बाल नेट पे भी प्ले आउट किया फिर गति गया पे और ओडे को 15 नंबर बाहर होने के लिए यहां पर सिकंदर लखन लगी ऐसे ऐसे बड़े स्किल के पिच से भी अच्छे से यहां पर खिलाड़ी हैं जो साइकिल जोर से मजबूती दे रहे हैं डबल स्कोर साइलेंट हमराम जोसेफ बुरमो अजीत हस्ता जैसे खिलाड़ी लेकिन अभी तो कुछ प्रकार का प्रभाव नहीं दे पाए हैं ओपोनेंट गेंद पर बदरा जी वहां ताला सर को खेलते हैं ताला तेजी से आगे बढ़ते हुए वहां पर गेंद को खेल दिया इस बार जोसेफ के लिए जोसेफ इस बार अजीत हस्ता को पास निकाला ऐसे नहीं चाहे मौका बनेगा इस बार लेकिन इस्माइल इस प्लेयर को बीट करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है जब जब अपने क्षेत्र में गेंद जा रही है हर हाल में गेंद को वापसी करने का काम किया है इस्माइल और इस्माइल कहीं ना कहीं टीम के बहुत ही मुखालिफ खिलाड़ी हैं और जब एक टीम में मुखालिफ प्लेयर होते हैं तो उनके पास उनका जो पुराना अनुभव होता है वो पूरा काम कर जाता है और यही चीज देखा गया है इस मैच में यहाँ हमारे हेमराज स्टोन का क्योंकि अगर आप प्लेयर के लिए तो यहाँ पर बाबू का टीम के बहुत ही मुखालिफ खिलाड़ी साथ ही साथ यहाँ पर सुंदर को देखे इस्माइल को देखे ये सारे प्लेयर्स उनके पास खेलने का एक लंबा अनुभव है माने जैसे प्लेयर के पास तो निश्चित रूप से ये सारे मुखालिफ प्लेयर क्या है जब एक टीम में होते हो तो निश्चित रूप से ये देखिए यहाँ पर प्लेयर में रहेगा क्योंकि ओम से चंद्र का है यहाँ पर तीसरा गोल आ सकता है 16 नंबर और क्या गोल लाएंगे और ये देखिए आराम से गोल कर दिया और ये आप समझ जाइए ये विनिंग गोल होगा अभी मैच में सिर्फ औपचारिकता ही शेष रह गई है और जो सब्स्टिट्यूट बन सके हैं 16 नंबर ये प्लेयर्स ने तो कमाल कर दिया सेकेंड हाफ का सब्स्टिट्यूट मैच में बैठे हुए प्लेयर को सेकेंड हाफ के मैच बैच को ग्राउंड पर चांस दिया गया और इनके द्वारा दो महत्वपूर्ण गोल हमें देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इस मैच में काफी ज्यादा मजबूत पकड़ अभी तक हेमराज स्टोन का मैच में ज्यादा समय अभी नहीं है अभी मैच लगभग अंतिम चरण पर आ गई है और तीन महत्वपूर्ण गोल के साथ अपना टीम को काफी ज्यादा मजबूती प्रदान की है हेमराज स्टोन की टीम और लगभग सेमीफाइनल के लिए अपना प्रबल दावेदारी तेज करते हुए आज दिन के लिए तमाम दर्शक दीर्घाओं को तमाम ऑडियंसों को और एक बार बिलन चंद चौकी साल झरिया पाकुड़िया पाकुड़ की ओर से आप सबों को हम दिल से शुक्रिया करते हैं धन्यवाद अदा करते हैं और हम चाहेंगे कि कल भी ऐसा ही आप सबों का सहयोग और सपोर्ट हमें मिले।